ठीक है, चलो अब हमारी रिकॉर्डिंग शुरू हो रही है। आज हम पढ़ेंगे लिमिट्स। लिमिट्स। लिमिट्स, ठीक है। सबसे तो पहले ब्रीफ इंट्रो कि लिमिट्स कहाँ फिट हो रहा है कैलकुलस में। थोड़े सब्जेक्ट वाले सिलेबस देख लेते हैं, सिलेबस कितना बड़ा है। तो लिमिट्स एक छोटी सी, अभी सिर्फ नाम देख लो लिमिट्स का, लिमिट्स है क्या उसके बारे में बाद में बात करेंगे। लिमिट्स है, फिर एक छोटी सी चीज होती है कॉन्टिन्यूटी, उसके साथ एक चीज रखी होती है डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, ये सब नोट नहीं करना, मैं तो वीडियो भेज ही रहा हूँ ना मैं तुम्हें। लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, ये बेसिकली तीन भाई बहन है छोटे छोटे। लिमिट्स सब सबसे बेसिक चीज है लिमिट, उससे कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर्स कनेक्ट होते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी का एक छोटा भाई है डिफरेंशिएशन। ओ डिफरेंशिएबिलिटी मतलब कहता है कि पता लगाओ कि फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है कि नहीं है, इसको तुम डिफरेंशिएट कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। अगर कर पाओगे तो डिफरेंशिएट कर लो, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के बहुत सारे तरीके हैं, मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन एंड सो ऑन। फिर एक साइड में एक चैप्टर आता है एप्लीकेशन, हर चीज की एप्लीकेशन होती है। तो ये वो चैप्टर्स हैं जिनको तुम्हें रियल वर्ल्ड के एप्लीकेशन दिखेंगे, कि कैलकुलस में तुम्हें रियल वर्ल्ड कनेक्ट होता हुआ दिखेगा। अच्छा ठीक है, डिफरेंशिएट करने के फायदे क्या है। स्पीड निकाल सकते हो किसी की, स्पीड से क्या कर सकते हो, रेट ऑफ चेंज निकाल सकते हो। कोई वैल्यू गुब्बारा फुला रही है गुची बैठ के अपने बर्थडे पे, तो किस रेट से गुब्बारा फूल रहा है, उसकी वॉल्यूम किस रेट से बढ़ रही है। ठीक है, एक बाल्टी में तुमने कुछ कुछ ऐसा, एक सिलेंडर के अंदर तुमने एक बॉल रख दी, और उस बॉल का मैक्सिमम वॉल्यूम क्या हो सकती है। बॉल के अंदर सिलेंडर रख दिया, उसकी मैक्सिमम वॉल्यूम क्या हो सकती है। ऐसे बहुत सारी चीजें जो तुम रियल वर्ल्ड में कभी यूज नहीं करोगे, वो आती है एप्लीकेशन। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम निकालना है। कोई फंक्शन जनरेट किया, तुम्हें उसका आउटपुट मैक्सिमाइज करना है, उसका आउटपुट मिनिमाइज करना है। गलती एरर मिनिमाइज होनी चाहिए, वो मैक्सिमम होना चाहिए। उन सब चीजों में आती है डिफरेंशिएशन, ये एप्लीकेशन होती है। उससे पहले लिमिट्स पढ़ना पड़ेगा। फिर इसको फ्लिप कर देते हैं, ऐसे एक चीज होती है फ्लिप। इंटीग्रेशन। फ्लिप कहता है कि डिफरेंशिएट कर लिया, अब इसका उल्टा। एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करके तुम्हें दूसरा फंक्शन मिला, अगर तुम्हें उल्टा जाना होता तो तुम्हें जो जो तुम्हारा आंसर है अगर वही तुम्हारा क्वेश्चन हो जाए तो उसे बोलेंगे इंटीग्रेशन। एक तरीका, इंटीग्रेशन हाँ एक तरीका तो ये है डिफरेंशिएशन का उल्टा होना, इंटीग्रेशन। दूसरा तरीका ये है कि ये एरिया बताता है। इंटीग्रेशन चीजें जोड़ता है, डिफरेंशिएशन चीजें तोड़ता है। डिफरेंशिएशन चीजें तोड़ता है और इंटीग्रेशन चीजें जोड़ता है। नाम से समझ में आ रहा है कि तुम इंटीग्रेट कर रहे हो, तो इंटीग्रेशन चीजें जोड़ता है। ठीक है, मैं तुम्हें बस फैमिलियर करना चाह रहा हूँ कि रास्ता कितना लंबा है, जोड़ता है। ठीक है, 50% ऑफ मैथ्स 11th एंड 12th की, 11th प्लस 12th का सिलेबस, 50% ऑफ मैथ इज जो मैं भी लिख रहा हूँ ब्लैक बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे, पिंक बोर्ड पे, व्हाटएवर। आधी मैथ जो तुम्हें लगता है कि बहुत सारा था 11th 12th में, उसमें से आधी मैथ कैलकुलस ही है। ठीक है, ओ इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन में तुम्हें तीन तरीके होते हैं। इंटीग्रेशन में तुम एक तुम करोगे इनडेफिनिट, इनडेफिनिट, डेफिनेट इनडेफिनिट, एक होती है डेफिनिट, और फिर लास्ट में आता है इसका एप्लीकेशन। एप्लीकेशन, एप्लीकेशन बेसिकली इंटीग्रेशन की कहती है एरिया निकालो, मोर और लेस एरिया निकालो, किसी कर्व और किसी कर्व दिए हुए उनके बीच का एरिया निकालो। ठीक है, यहां पर जाके तुम्हें समझ में आएगा कि एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर क्यों होता है, यहाँ चमकेगा तुम्हें। तुम्हें ये ओ पूरा रास्ता क्लियर करना पड़ेगा। बच्चों ने सोचा होगा कि यार सारे फॉर्मूले तो मैथ्स प्रूफ कराता है, लेकिन ये पाई आर स्क्वायर क्यों रटवा रहे हैं, तो वो यहाँ पर आके तुम्हें प्रूफ करेंगे। देखो पाई आर स्क्वायर होता है, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है, एंड नॉट जस्ट दैट, अ लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है, ये सब करने के बाद अब तुम्हें बात करेंगे, जैसे तुमने इक्वेशन सॉल्व की थी अभी भी, गोची ने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व की थी। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में पहले लीनियर इक्वेशन पढ़ते थे बचपन में, लीनियर इक्वेशन में होता था एक्स प्लस वाई फाइव इक्वल टू सेवन एंड सो ऑन। फिर क्वाड्रेटिक पढ़ी थी, क्वाड्रेटिक में एक्स स्क्वायर हो जाता था। फिर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ी थी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ी थी, वो क्या था, एक्स प्लस वाई इक्वल टू सेवन, टू एक्स प्लस फोर वाई इक्वल टू फाइव। ठीक है, अब तुम पढ़ोगे डिफरेंशियल इक्वेशंस। वो ये सब खत्म होने के बाद एक चीज आती है डिफरेंशियल इक्वेशंस। वो नहीं हो ओके रहा, डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, ये सब छोड़ दिया, यहाँ तक पहुंचते पहुंचते लोग मर जाते हैं। लोग कहते हैं मैं नहीं पढ़ रहा, ऐसे ऐसे कराने गया एक चैप्टर, मेरे से इतना ही हो जाए बहुत बड़ी बात है। तो मैक्सिमम लोग आग लगा डिफरेंशियल दो इक्वेशन, डिफरेंशियल हाँ इक्वेशन। मैक्सिमम लोग यहाँ तक पहुंच नहीं पाते, बट हम कोशिश करेंगे कि हम यहाँ पहुंच पाए। इसमें होगा क्या, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव दिया होगा एक्स प्लस फाइव, अब तुम्हें वो फंक्शन अच्छा निकालना होगा और अच्छा ऐसी इक्वेशन सॉल्व करनी होगी, एक फंक्शन का डेरिवेटिव फिर दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव एंड सो ऑन। ये ठीक है, इसके बाद तुम्हारा कॉलेज लेवल मैथ्स, कॉलेज लेवल कैलकुलस शुरू हो जाता है। ठीक है, कुछ लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को भी कॉलेज लेवल ही मानते हैं। ठीक है, बट ये तुम्हारा मैप है। ठीक है, हम अभी हैं लिमिट्स पे, हम अभी हैं यहाँ पर लिमिट्स से चीजें शुरू होती है। लिमिट्स बेसिकली, अगर मैं अब नीचे वाला पार्ट हटा दूं, अगर मैं ये तुम्हारा सिलेबस बता दूं, तो लिमिट्स का एसेंस अगर मैं देखूं, एसेंस एसेंस इज जो एक चीज से तुम हमेशा भागते हुए हो, जिस चीज से, उस चीज से अब तुम बात करोगे, टॉकिंग टू इंफिनिटी। इन्फिनिटी एक चीज को
डिस्क्रीट वैल्यूज से समझ में आता है कि 5 + 4 + 7 कितना होता है समझ में आता है, लेकिन अब ये चीज तुम अगर नॉन स्टॉप करते जाओगे या फिर दोनों डायरेक्शन में, या तुम नॉन स्टॉप दुनिया में आगे बढ़ते जाओगे, स्पेस में चले गए, स्पेस से आगे चले गए, उसके आगे चले गए, और फिर एटम में चले गए, एटम से अंदर चले गए, उसके एटम में चले गए, तो इन्फिनिटी दोनों तरह की होती है। अभी तक लोगों को लगता था इन्फिनिटी बहुत बड़ी चीज होती है, बट इन्फिनिटी बहुत छोटी चीज भी होती है, तो इसे इनफाइनाइटेसिमल बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में, उसे इनफाइनाइटेसिमल बोलते हैं, इनफाइनाइटेसिमल बोलते हैं, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल ये बहुत छोटा हो गया, और इनफाइनाइटली बिग वो बड़ा हो गया। तो इन्फिनिटी को दो तरीके से देख सकते हो, कि वो न्यूमिनेटर में है कि वो डिनोमिनेटर में है। तो एक बहुत छोटी चीज होती है और एक बहुत बड़ी चीज होती है। अब हम इन चीजों से बात करेंगे जो बहुत छोटी है जो बहुत बड़ी है, विच इज द मोस्ट फन पार्ट मैं तो बोलूंगा। ये सारी चीजें में अल्जेब्रा आता है, सब कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कूड़ा चल रहता है, बट सबसे फन पार्ट है लिमिट्स का, सबसे सबसे फन पार्ट से लिमिट्स में। गंदा सा फंक्शन दे देंगे, इसका आंसर नहीं आ रहा होगा, कुछ नहीं आ रहा होगा, लेकिन बोलेंगे अच्छा ठीक है चलो ये बता दो कि अंदाजन कितनी वैल्यू आ रही है या सो ऑन। अभी चलो मैं आई होल्ड दोस थॉट्स बैक, सिर्फ एसेंस अगर मैं बात करूं तो लिमिट्स का तुम्हें अगर एक चीज समझ में आ रही है कि लिमिट्स के हम करने के वाले लिमिट्स में, तो वह टॉकिंग टू इन्फिनिटी। एक बार जब हम ये लिमिट्स की भाषा बोलनी शुरू कर देंगे, फिर हम देखेंगे कि अच्छा कौन से फंक्शंस कंटिन्यूस है, कौन से नहीं है, फिर कौन से डिफरेंशिएबल है, ये आगे की कहानी है, बट पहले हम लिमिट्स पढ़ेंगे। यहाँ तक सबका क्लियर है? अभी तक मैंने शुरू नहीं किया लिमिट्स के बारे में बात करना, बाय द वे मैंने तुम्हें बस मैप दिखाया है, क्योंकि मैप बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि तुम्हें पता लगे कि तुम आज कहाँ पर हो। ठीक है, हाँ बोल दो एक फटाफट। हाँ उधर से नहीं आया? आया आया, ठीक है ठीक है। अब मैं इसको डिलीट मार देता हूँ, इसको नोट बनाने की जरूरत। हाँ मैं भी ले लेता हूँ, ले ले, अब मैं डिलीट मार देता हूँ। हैशटैग टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब जो मैंने बताया उन्हें जानबूझ के मैंने स्पीड 1x पे 2x पे बताया था, मैंने कहा कि वरना तो मैं इसी के बारे में बात करता रह जाऊंगा। अब बात करते हैं लिमिट्स, आराम से बात करते हैं लिमिट्स। तो लिमिट्स की जरूरत क्यों पड़ी, आया कहाँ से ये लिमिट्स, मतलब जब कैलकुलस पे बना रहा था बैठ के, तो उसको प्रॉब्लम का फर्स्ट ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो ये चैप्टर सॉल्व कर रहा है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा होता है, लीनियर इक्वेशन से एक प्रॉब्लम सॉल्व करो, तब तुमने इस तरह सोचा नहीं होगा, बट x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 और 2x + 7y = -13 ये एक प्रॉब्लम थी, दो चीजें थी जिनको ऐड करके ये बन रहा था, और इस तरह से ऐड करने में ये बन रहा था, इसको सॉल्व करना था। तो लोगों ने एक चैप्टर बना दिया, एक टॉपिक बना दिया, एक तरह से सारे टॉपिक्स एक सोल्यूशन है। अच्छा इसको ऐसे कर लो, तीन मेथड बता दिए, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और भी कई मेथड्स होंगे, कैलकुलेटर एक नया मेथड निकाला आजकल लोगों ने, कंप्यूटर एक और मेथड है, ये नए मेथड्स हैं, ये पुराने मेथड्स थे जो हाथ से करना पड़ता था, बट ये तरीके हैं एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। प्रॉब्लम क्या थी कि हमें एक्स और वाई निकालना था, और वो इस तरह से बात कर रहे थे एक्स और वाई आपस में, और हमें पता लगाना था कि एक्स क्या है वाई क्या है, तो एक प्रॉब्लम सॉल्व करता। ऐसी अगर कोई पूछे कि लिमिट्स प्रॉब्लम कौन सी सॉल्व कर रहा है, कि ऐसे परेशानी कहाँ आ रही है, तो परेशानी से पहले, परेशानी तक पहुँचने से पहले बात करते हैं कि अच्छा चीज़ें आसान कहाँ पर हैं, पहले लाइफ आसान बनाते हैं फिर चीज़ें बाद में मुश्किल बनाएंगे। तो मान लो एक सड़क है, अब मैं एक आसान कहानी बनाना चाहूंगा, ठीक है, इस सड़क में तीन घर हैं, चलो चार घर हैं, ठीक है, और इस घर में बन रही है लेट्स से रोटी, इस घर में बन रही है दाल, इस घर में बन रहे हैं चावल, और इस घर में बन रहा है सब्जी। ऐसी मैंने हाइपोथेटिकल ले लिया, ठीक है, और अच्छी चीज़ यह है कि इस घर में जैसे खिड़की खुली हुई है और तुम्हें कुछ, चलो खिड़की नहीं खुली, बाहर लिखा हुआ है रोटी, बाहर लिखा हुआ है दाल, बाहर लिखा हुआ है चावल, बाहर लिखा हुआ है सब्जी। अब तुम सड़क पर जा रहे हो, अब तुम्हारे दिमाग में आता है कि यार इस घर में खाना बन रहा है तो कौन सा खाना बन रहा होगा। तो ये जो प्रॉब्लम है तुम्हारी कि कौन सा खाना बन रहा होगा, पहले तो तुम्हें नहीं पता करना चाहिए दूसरे घर में क्या खाना बन रहा है, बट अगर तुम्हें प्रॉब्लम है, अगर तुम्हें जानना है कि किस घर में कौन सा खाना बन रहा है, घर का नंबर भी लगा देते हैं, घर नंबर 1, घर नंबर 2, घर नंबर 3 और घर नंबर 4, अगर तुम्हें जानना है कि किस घर में क्या खाना बन रहा है, तो इस प्रॉब्लम को तुम सॉल्व कैसे करोगे गोची, तू बता कैसे। मैं पूछूं घर नंबर 3 में कौन सा क्या बन रहा है आज, चावल, कैसे पता लगा, क्योंकि उसके सामने लिखा हुआ है ना रोटी दाल चावल सब्जी, लिखा हुआ है लिखा, इंपॉर्टेंट चीज है ये तुम अंडर एस्टिमेट कर रहे हो कि कितनी इंपॉर्टेंट चीज है कि सामने लिखा हुआ है, ठीक है, ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तुम्हारी कि बाहर चावल लिखा हुआ था, ठीक है। अब इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा कम सिंपल बनाते हैं, ठीक है, अब तुम एक नई गली में जाते हो, ठीक है, ये सिर्फ मेरी कहानियां हैं, ऐसा मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ा,
बट ऐसे में सोचता रहता था कि ये प्रॉब्लम कौन सॉल्व कर रहा है, तो ये तुम्हें किसी टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। इसका दो रीजन हो सकते, इसका दो मतलब हो सकते हैं। एक तो मैं गलत पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, दूसरा हो सकता है कि मतलब ज्यादा ही सही पढ़ा रहा हूँ मैं, तो वो डिस्क्लेमर में पहले दे देता हूँ, हो सकता है मैं गलत पढ़ा रहा हूँ। लेट्स गो विद ज्यादा ही सही पढ़ा हुआ। दरवाजा नंबर, ठीक है, दूसरी गली में तुम जाते हो, दूसरे बंदे तुम जाते हो, अब तुम्हारे, अब इन्होंने क्या रूल बना रखा है, अब इसमें क्या बन रहा है, लड्डू बन रहे, चारों घर में लड्डू बन रहे, लड्डू लड्डू, स्पेलिंग गलत है, तेरी स्पेलिंग गलत है, तेरी स्पेलिंग गलत है, ठीक है, आराम से रह, तेरी स्पेलिंग गलत है, हाँ ज्यादा मैं बोल, ठीक है, तो बन रहे लड्डू, अब चारों में लड्डू बन रहे हैं, तो पता लगाना आसान है कि भाई कुछ भी जब बाहर लिखा हुआ है गली के बाहर के चारों में लड्डू बन रहे, तो सोचना ही नहीं लड्डू बन रहे। ओके पहले देखो रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, तो लगा मैं इतनी कहानी सुना रहा हूँ और फिर ये रिकॉर्डिंग हो रही है लिखा बीच बीच में, तो मुझे लगता है बीच बीच में जब मैं अपने फॉर्म में होता हूँ, फ्लो में होता हूँ, तो मेरे को लगता है कि यार ये तो रिकॉर्ड कर लेना चाहिए, कभी मैं ही 4-5 साल बाद देखूंगा तो मेरे को अच्छा लगेगा। ओके अब क्वेश्चन ये है कि कितने लड्डू बन रहे हैं, ठीक है, तो या तो हम ये बाहर नंबर लगा दें कि भाई मेरे घर आज 50 लड्डू है, मेरे घर आज 10 लड्डू है, मेरे घर आज ये लड्डू है, वो तो पुराना हो गया, वो तो ईजी है। हमने क्या बोला, हमने बोला कि हर घर में पिछले घर से 10 लड्डू ज्यादा बन रहे हैं, नेक्स्ट इज इक्वल टू प्रीवियस प्लस 10, ठीक है, ठीक और है। तुम्हें पहले घर के लड्डू पता है, पहले घर बन रहे हैं 70 लड्डू, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि घर नंबर 2 में कितने लड्डू बन रहे होंगे, 80, बट घर के बाहर तो नहीं लिखा कितने लड्डू बन रहे हैं, बट हमें ये पता है कि प्रीवियस प्लस 10 है। प्रीवियस, अच्छा घर नंबर 3 में कितने बन रहे होंगे, 90, घर नंबर 4 में कितने बन रहे होंगे, 100, 100। तो पिछले वाले और इस वाले में डिफरेंस ये है कि इस बार हमारे पास एक फॉर्मूला है, मैथ के टर्म में इस फॉर्मूले को बोलते हैं फंक्शन। फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन का छोटा सा रिकैप 1 मिनट का, फंक्शन एक डब्बा होता है, ठीक है, एक मशीन होती है जिसमें तुम कुछ इनपुट करते हो और तुम्हें कुछ आउटपुट मिलता है। कैलकुलेटर हमारा एक फंक्शन है, कुछ इनपुट करते हो, कट 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 और दबाते हो और फिर वो आंसर आ जाता है। कैलकुलेटर एक्चुअली एक टूल है, प्लस और माइनस और मल्टीप्लाई ऑपरेटर्स हैं, और जो तुम कर रहे हो वो तुम एक फंक्शन कर रहे हो। इस केस में हमारा फंक्शन है कितने लड्डू है, नंबर ऑफ लड्डू, तो वो नेक्स्ट का फंक्शन इज प्रीवियस प्लस 10, ठीक है, एक तरह से फॉर्मूला ही समझ लो, एक तरह से फॉर्मूला है जिससे हम वैल्यूज निकाल सकते हैं बार बार करके। तो अब दोनों में डिफरेंस ये है कि पता लगाने के लिए कि किस घर में क्या बन रहा है, हमें उस घर के बाहर एक्चुअली लेबल डालने की जरूरत नहीं है, हम फंक्शन से भी काम चला सकते हैं, ठीक है, यहीं पर ही प्रॉब्लम आती है, यहाँ पर प्रॉब्लम आती है जब फंक्शंस ब्रेक कर जाते हैं, जब फॉर्मूले ब्रेक कर जाते हैं, उसका मैं एग्जांपल दिखाता हूँ, फॉर्मूले ब्रेक कर जाने का एग्जांपल दिखाता हूँ। ये हो गया, दूसरी गली से तुम निकल आए, तुम आराम से तुम काम कर रहे, अब एक तीसरी गली बनाता हूँ मैं, ठीक है, अब तुम सोचेगा वाह अभी बनाता हूँ मेरे को तीसरी गली, वाह बनाता हूँ, ठीक है। तो मैंने बोला, अब मैं बोल रहा हूँ कि घर में बन रहे हैं क्या बन रहे हैं घर में, मान लेते हैं कोई अच्छा सा नंबर लेता हूँ जो बहुत सारे नंबर, 60 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3 इतने लड्डू बन रहे हैं, ये तुम्हारा फंक्शन है, एफ एक्स माइनस 3 नंबर ऑफ लड्डू, अबे अरे ये हैंग हो जाता है, नंबर ऑफ लड्डू इक्वल्स टू 60 बाय एक्स की जगह मैं ले लेता हूँ हाउस नंबर, हाउस नंबर, यार तुम्हें समझ में आएगा कि प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, हाउस हाउस नंबर माइनस 3, ठीक है, तो ये मेरा हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 2, हाउस नंबर 3, हाउस नंबर 4, हाउस नंबर 5, ठीक है, कूल। अब मुझे बताओ, मैंने फॉर्मूला तो भेज दिया तुम्हें, अब मुझे बताओ भाई पहले घर में कितने लड्डू बन रहे हैं, माइनस 30, ओफो गड़बड़ हो गई क्या, माइनस 30, माइनस 30 तो नहीं हो सकता ना, तो पॉजिटिव कैसे करूं, चल ठीक है माइनस 30 लड्डू बन रहे हैं, दूसरे घर में कितने लड्डू बन रहे हैं, माइनस 60, इधर से आते हैं, पांचवे घर में कितने लड्डू बन रहे हैं, या इनफैक्ट ऐसे करते हैं, चल माइनस वाला एग्जांपल तूने अच्छा पकड़ा, घर नंबर ही 3 से शुरू कर लेता हूँ, नहीं यार वैसे ठीक है, घर नंबर हाँ चल जो भी है माइनस 60, अब जो हो गया सो हो गया, एक दो घर और बना लेते हैं, 6 से भी डिविजिबल है नहीं, सिक्स्थ घर में कितने लड्डू बन रहे हैं, सिक्स्थ घर में 60 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 3 20 लड्डू बन रहे हैं,
फिफ्थ घर में कितने लड्डू बन रहे? 30. फोर्थ घर में कितने लड्डू बन रहे? 60. नाउ इज द मिलियन डॉलर क्वेश्चन. अब बताओ, सारे खड़े हो जाओ घर के बाहर, जितने आ सकते हो आ जाओ, और ये बता दो कि थर्ड घर के बाहर, थर्ड घर में कितने लड्डू बन रहे? जीरो. नॉट डिफाइंड. सोचो सोचो, टेक योर टाइम. यहाँ ये जब तुम सोचोगे तब तुम्हें पता लगेगा कि अच्छा एक प्रॉब्लम है, मैं उस प्रॉब्लम से तुम्हें मिलाना चाह रहा हूँ, सोल्यूशन तो बाद में आएगा. तो ये तो गड़बड़ हो गया. हाँ, डिनोमिनेटर में कभी जीरो होता ही नहीं है, तो नॉट डिफाइंड. तो अब क्या करें? पूछ लो जाके. पूछ लो जाके, बट पूछ नहीं सकते ना, बाहर ताले लगे ना, सबके घर के बाहर ताले लगे. सिर्फ फॉर्मूला है तुम्हारे पास, अब क्या करोगे तुम? अच्छा, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? जब बचपन में पढ़ा था कि मैथ में पाप चढ़ता है, याद है पाप चढ़ता था एक जमाने में? यप. कब पाप चढ़ता था? जब डिविजन बाय जीरो हो जाती थी. या तुमने डाला 60/3-3, ये हो गया 60/0. और इसको पहली बात तो जीरो नहीं बोलते, ये आखिरी बार जीरो बोल रही, तो ये जीरो नहीं बोलते. दिस इज नॉट जीरो. एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो इज नॉट जीरो. डिवीजन बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड. ऐसे बात करते हैं तो नॉट डिफाइंड. ये नई बच्चों को सिखा रखा था कि बच्चों ये बोलो नॉट डिफाइंड. पता भी नहीं था डिफाइंड क्या होता है, बट याद तो करा रहे थे कि नॉट डिफाइंड है भाई, नॉट डिफाइंड है. ठीक है, साइन कॉस में कुछ कुछ चीजें नॉट डिफाइंड होती थी, टैन का कुछ नॉट डिफाइंड होता था. तो नॉट डिफाइंड है भाई, बट मतलब क्या है नॉट डिफाइंड का? क्या बाकी सब चीजें डिफाइंड है? क्या आया कहाँ से नॉट डिफाइंड? वो पहली प्रॉब्लम. दूसरी प्रॉब्लम इज, अब मैं लड्डू निकालूं कैसे? मेरा सारा क्वेश्चन ये कि मैं लड्डू निकालूं कैसे इस घर में. तो कुछ तो नंबर रखना पड़ेगा ना, कुछ तो नंबर रखना पड़ेगा. क्या नंबर रखूं? अब कुछ लोग बहुत स्मार्ट है, कुछ लोग बोलते हैं भाई देखो लेफ्ट में देख लो और राइट में देख लो आसपास. ये इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत काम की चीज है. ये मैंने भी सोचा था, जब मैंने सोचा था मैं थोड़ा सा हंसा था, तो मैंने पहली बार सोचा था इसके बारे में. लिमिट्स की कहानी है, ठीक है. और जिस तरह से मैं समझाना चाह रहा हूँ, मैं तुम्हें लिमिट्स के बेसिक समझा रहा हूँ सारे, विदाउट यूजिंग द वर्ड लिमिट्स, विदाउट यूजिंग द वर्ड, विदाउट यूजिंग एनी टेक्निकल लैंग्वेज. तो अब अगर तुम्हारे घर के बाहर ताला लगा हुआ है, किसी का घर के बाहर ताला लगा हुआ है, तो पता लगाना है कि इस घर में क्या बन रहा है, तो तुम कैसे पता लगाओगे? खुशबू सुन के पता लगा लोगे, वो एक अलग तरीका है. बट यूजुअली अगर तुम्हें पता करना होता है कि इस घर में कौन रह रहा है, इस घर में क्या चल रहा है, तो तुम क्या करते हो अगर ताला लगा होता है? तो पड़ोसी से पूछ लेते हैं. ये पड़ोसी बहुत काम आने वाले हैं इस चैप्टर में. तो तुम एक पूछ ले, इस घर में जाके पूछोगे और इस घर में जाके पूछोगे. अब तुम सोचो, यहाँ पर एक ब्लैंक रखा हुआ है. एक पड़ोसी के पास -60 रखा हुआ है, एक पड़ोसी के पास 60 रखा हुआ है. तो तुम्हारा बेस्ट गेस क्या होगा? बेस्ट गेस क्या होगा? इस घर में कितने लड्डू बन रहे होंगे? बोल दे. हम डिवीजन की बात ही नहीं कर रहे, तो ये तो फेल हो गए मेथड. तो इसकी तो बात ही नहीं. 60 से ज्यादा और जीरो, मतलब 60 और जीरो से ज्यादा, मतलब -60 से -60 और 60 के बीच में ऐसा कुछ. अगर फिर भी तुमसे एक नंबर माना जाता, तो बेस्ट गेस क्या बोलते हैं? अपने आंसर दे दो. बेस्ट गेस क्या हो? किसी का आंसर हो गया जीरो. तुक्का ही मारना होता, कोई एक नंबर डाल के आने. तुम अपनी वो भर रहे हो, सर्वे भर रहे हो, तुम्हारा काम है लोगों के घर के लड्डू हिसाब लगा के आना. लड्डू पता लगा क्या? तो कुछ फिल करना है तुम्हारे बॉस को, चाहिए भाई कोई नंबर डाल दे, मुझे नहीं पता. तुम कौन सा नंबर डालते? बट मेरे को एक प्रॉब्लम है. हाँ, अच्छी प्रॉब्लम है वो, दैट इज अ गुड प्रॉब्लम. हाँ, कि जब हम 6 की साइड से आ रहे हैं, लाइक 6 घर में 20 लड्डू हैं, 5th घर में 30 लड्डू हैं, 4th घर में 60 लड्डू हैं, तो लड्डू का नंबर तो बढ़ रहा है. बहुत सही. और मैं कुछ क्या हो रहा है यहाँ पे? तूने नहीं पकड़ा ये. हूँ मत कर रहा था. इधर तो नंबर बढ़ रहे थे, -30, -60, अगला हो सकता है -90 या -100 होता, मतलब और नेगेटिव जाता ना. तुम समझ रहे हो? ये तो प्रॉब्लम समझ में आ रही है कितनी बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे. दोनों का एवरेज जीरो दे रहा है, एक तरफ -60 एक तरफ 60. लेकिन इधर से जाओगे तो नंबर बढ़ रहा है, इधर से जाओगे तो नंबर घट रहा है. वो कह रहा है ये ग्राफ देखा देखा सा लग रहा है मुझे, तब बता. ज्यादा अकल मत लगाओ,
बट ये प्रॉब्लम देखो, प्रॉब्लम देखो, मैं ग्राफ हटाना नहीं चाह रहा यहाँ पे, ग्राफ तो मैंने बनाया भी नहीं है, मैं तो बस बोल रहा हूँ कि इस प्रॉब्लम को ग्राफ पे मत जाओ, प्रॉब्लम को देखो कि हो क्या रहा है यहाँ पर। एक तरफ लेफ्ट, तो इस तरह से बात कर सकते हैं, इस क्रम में इस तरह बोल सकता हूँ कि पड़ोसी पड़ोसी अलग अलग बात कर रहे हैं, लेट्स कॉल इट दिस, पड़ोसी अलग अलग बात कर रहे हैं, ठीक है। राइट साइड के पड़ोसी बोल रहे हैं कि भाई नहीं, हमारे यहाँ तो लड्डू बहुत बनते हैं, हमारे तो तुम उस तरफ उस गली में आगे बढ़ के जाओगे तो लड्डू बढ़ते जाएंगे। इस तरफ के पड़ोसी कुछ और बोल रहे हैं, इस तरफ के पड़ोसी बोल रहे हैं नहीं नहीं हमारे तो लड्डू रोज गायब होते जा रहे हैं, कोई बंदर रख ले जा रहा है। तो ये पड़ोसी कुछ और बोल रहे हैं और ये पड़ोसी कुछ और बोल रहे हैं, यहाँ आती है कन्फ्यूजन, यहाँ आती है कन्फ्यूजन। ये कन्फ्यूजन फेस कर पा रहे हो तुम लोग, कन्फ्यूजन समझ पा रहे हो क्या? ये जो मोंदी ने पकड़ा कि ये जो इनको प्रॉब्लम थी, यार मजा नहीं आ रहा, उन्होंने सिर्फ 4 और 2 नहीं देखा, उन्होंने देखा यार ये देखो ट्रेंड, देखो ट्रेंड बढ़ रहा है और यहाँ ट्रेंड देखो कम हो रहा है। तो दोनों पड़ोसी, एक पड़ोसी बोल रहा है कि नहीं बहुत अच्छे लोग हैं, अरे अपनी गाड़ी साफ करते हैं लोग, सब कुछ सही चलते हैं, इनके यहाँ तो बहुत लड्डू बनते हैं। दूसरा बोल रहा है नहीं चोर आए हो तो हमारे लड्डू सारे यही ले जा रहे हैं। तो किसकी बात मानोगे तुम, लेफ्ट साइड की बात मानोगे कि राइट साइड की बात मानोगे? ऐसे केस में तुम्हें क्या करना चाहिए एक अच्छे नागरिक होने के लिए? मैं होती अगर, तो क्योंकि मैं राइट साइड से जब आ रही थी तो 3 घर पूछ कर आ रही थी और लेफ्ट साइड से 2 घर ही पूछ कर आ रही थी, तो मैं बिना किसी लॉजिक के अगर मैं तुक्का ही मारी होती तो मैं राइट साइड वालों की बात मान लेती। ये लो तीसरा घर ऐड कर दिया, बराबर कर दिया, बराबर कर दिया। अब बताओ नहीं बात सही है, जिस तरफ ज्यादा वेटेज आ रही है, जहां ज्यादा लोग हैं, स्टार्ट तो यही कहता है मेजोरिटी की तरफ जाओ, बट चलो बराबर कर दिया, वो स्टार्ट बाहर कर दिया मैंने पिक्चर से। अब क्या करोगे, इस कंफ्यूजन से कैसे निकलोगे? इस कंफ्यूजन से निकलेगा तो ये चैप्टर बहुत आसान है। देखो अगर रियलिटी में ऐसा होता तो मैं अपने बेस्ट पड़ोसी की बात मानती। बेस्ट पड़ोसी नहीं ना, सारे नंबर्स ही है ना, तेरा कोई दोस्त थोड़ी है इसमें। यप, पड़ोसी अलग अलग बात कर रहे हैं, जब पड़ोसी अलग अलग बात करते हैं तो समझदारी इसी में ही है। मम्मी का फोन आ रहा है, ये भी रिकॉर्ड हो जाएगा। हेलो, हाँ 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 पिज्जा खाऊंगा मैं, अभी तो पेट ठीक हुआ है, जब बन जाएगा तब खा लूंगा, जब बन जाए, जब तुम मेरा वेट मत करो, जब बन जाएगा तो मैं आ जाऊंगा। कल बनने वाला था पिज्जा, वो तो मेरा पेट खराब हो गया, बट अब आज हो जाएगा। अल एक दिन पेट खराब करो, एक दिन दवाई खाओ, एक दिन पिज्जा खाओ, सिंपल एज दैट, फिर दिन लड्डू खा लो। अब मना कर दूं पिज्जा खाने को तो फिर मेरे से नहीं रुका जाएगा, फिर मैं सैड हो जाऊंगा, हैशटैग सैड, और सोचूंगा कि यार पिज्जा भी नहीं खा पा रहा मैं। तो बच्चा हूं मैं 6 साल का, ये प्रॉब्लम अलग है, उसको कभी और सॉल्व करेंगे, अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब पड़ोसी अलग अलग बात कर रहे हो तो समझदारी इसी में ही है कि दोनों की बात मत मानो। हाँ, गली छोड़ दो, ये पड़ोसी है ही नहीं जिनकी बात माननी चाहिए, पड़ोसी मिल बांट के काम ही नहीं कर रहे हैं, जो एक कुछ कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, तो फिर गली छोड़ दो। तो तुम बोलो कि भाई हमें बातें नहीं करनी इससे, ठीक है, गली छोड़ दो। आई नो तुम्हें लग रहा होगा ट्रिक कर दिया इसने, बट पहले गली छोड़ देनी चाहिए थी, जब पता था कि थ्री के घर ताला लगा हुआ है। तो कब ऐसा होगा, जब जब तुम्हें गली नहीं छोड़नी होगी, जब दोनों पड़ोसी सेम बात करेंगे। लेट मी पुट अ डिफरेंट एग्जांपल, ये वाला समझ में आ गया, गली छोड़ दो। ऐसा कब होगा जब गली नहीं छोड़नी होगी, हमेशा गली छोड़ दो, हमेशा कुछ ना कुछ पंगे आएंगे। मान लो ऐसे घर चल रहे हैं, ठीक है, और वैल्यूज कुछ इस तरह से है, वैल्यू है 1, वैल्यू यहाँ से शुरू होती है, मान लेते हैं वैल्यू शुरू होती है 5, फिर इधर वैल्यू आती है 4, फिर इधर वैल्यू आती है 3.5, फिर आती है 3.52, फिर आती है 3.51, ठीक है, और एक और डाल देते हैं 3.3, दिख रही क्या वैल्यू, बहुत छोटी छोटी कर दी मैंने, 3.50 और उस तरफ से नंबर चल रहे हैं, मान लेते हैं 5 इधर आ गया, 5 इधर कम हो रहा है, इधर मान लेते हैं 2, इधर आ गया 3, फिर इधर आ गया 3.4, फिर एक और आ गया 3.49। तुम समझ में आ गया मैं क्या कर रहा हूँ, 3.499। अब यहाँ तुमने लगा दिया ताला, अब तुम इस गली में चल रहे हो। अब कोई भी समझदार इंसान क्या बोलेगा इसमें, यहाँ पर कौन सी नंबर होगा?
3.501 और 3.499 के बीच में, मतलब एक तुक्का मारना होता है, ठीक ठाक तुक्का मारना होता है, तो कौन सा तुक्का मारते हैं? 3.5 और कोई और है जो जिसको कोई और इससे भी प्रॉब्लम है? कोई है जिसको 3.5 से प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, किसी को 3.5 से प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पड़ोसी क्या कर रहे हैं? सेम बात बोल रहे हैं, इधर भी वैल्यू घट रही है, इधर भी वैल्यू घट रही है, एक वैल्यू का अप्रोच कर रही है, दोनों तरफ से लग रहा है कि यार वैल्यू जाके स्टेबिलाइज, रनिंग आउट ऑफ टाइम, दिस मीटिंग विल एंड इन 10 मिनट्स, अपग्रेड नाउ। अच्छा ये हर बार आएगा, ठीक है, अभी तो रिकॉर्ड हो रहा है ना, चलो मैं 40-40 मिनट के सेशन रखूंगा, विच इज फाइन, क्योंकि दोबारा आने में कोई दिक्कत नहीं है, मैंने जिस तरह से मीटिंग सेट किया, खटाक से डिसकंटिन्यू करके दोबारा आ सकते हो, और 5 मिनट का ब्रेक लेना भी कुछ बुरा नहीं है। 40 मिनट में अगर तुम एक चीज समझा नहीं पा रहे हो, तो फिर या तो वो चीज़ बेवकूफ, या फिर तो चीज़ बहुत बढ़िया, या फिर तुम बेवकूफ। 40 मिनट इनफ होते हैं एक छोटी चीज़ समझाने के लिए, ठीक है? तो मैं तो नहीं पैसे खर्च कर रहा, तुम्हारे पास है तो डाल दो पैसे, मेरा प्रीमियम अकाउंट करवा दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बैठे रहना जितने, ठीक है। कमिंग बैक टू 3.5, यहाँ दिक्कत क्यों नहीं है? क्योंकि पड़ोसी सेम बात बोल रहे हैं। पड़ोसीज आर गुड हियर, समझ आ रहा है पड़ोसी कितने इंपॉर्टेंट है? अब तुमने बिना पता लगाए, बिना दरवाजा खोले, बिना खटखटाए, इनफैक्ट क्या पता इसके पीछे वैल्यू 35 होती, क्या पता, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता। लिमिट में हमेशा ताले पड़े होंगे, जब तुम लिमिट से क्वेश्चन करोगे हमेशा ताले पड़े होंगे। अगर कोई चीज की वैल्यू अटेनेबल है, अगर वो ताला खुला हुआ है, तो फिर वो क्वेश्चन ही नहीं लिमिट का, फिर तो तुम्हारी प्रॉब्लम ही नहीं, फिर तो जाके पूछ लो उससे, जैसे गोची ने बोला जाके पूछ लो। बट जब भी तुम लिमिट से क्वेश्चन सॉल्व करोगे हमेशा ताले पड़े होंगे, तो तुम्हें एग्जैक्ट वैल्यू कभी पता ही नहीं होगी, मोर और लेस तुम्हें एग्जैक्ट वैल्यू पता ही नहीं होगी, तुम्हें तो सिर्फ अप्रोचिंग वैल्यू पता होगी, यार अंदाजा क्या हो सकता है कि वैल्यू कहाँ किस नंबर को अप्रोच कर रही होगी, तुम्हें बस वो पता लगाना है, तुम्हें देखना है तुम्हारा सारा काम, पूरा गेम तुम्हारा लिमिट्स का क्या है। पड़ोसी से बात करो, पड़ोसी क्या बोल रहे हैं, पहला काम है पड़ोसी से बात करो, चेक करो पड़ोसी सेम बात बोल रहे हैं कि अलग बात बोल रहे हैं, सेम बात बोल रहे हैं तो मान लो उनकी बात, अलग बात बोल रहे हैं तो गाली छोड़ दो, एज सिंपल एज दैट। हो गया लिमिट खत्म, यही है लिमिट। अब इसकी टेक्निकल भाषा पढ़ लेते हैं, अब इसकी टेक्निकल भाषा पढ़ लेते हैं। अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है, मान लेते हैं 1/(x-2), ठीक है, ये एक मेरा फंक्शन है 1/(x-2). अब ये चल इसको 1/(x-2) की जगह रुक, अच्छा क्वेश्चन देता हूँ मैं, लेट मी, तो कि लगे भी ना कि हाँ थोड़ा सा तो अच्छा क्वेश्चन है। मान लेते हैं क्वेश्चन है x²-4/(x-2), ठीक है। अच्छा इसके बारे में मुझे बात करनी है, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है टेक्निकल भाषा में बात करने से पहले मुझे पूछना है कि बताओ एक तरफ रखा है 1 और एक तरफ रखा है x/x, कौन सा साइन लगाऊं मैं यहाँ पर, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, कौन सा साइन लगाऊं? इसको हटाओ पहले, इसके बारे में बात कर लेते हैं पहले। ये 20-30 साल पुराना ये मैडम छोड़ देती है ना बात करना, ये मेरे को बाद में पेन करता है, लिमिट्स पढ़ रहे हैं तो पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। क्या ये एक तरफ रखा हुआ है 1, एक तरफ रखा हुआ x/x, दोनों बराबर है क्या? पता नहीं, x से x कट जाता है इज द बिगेस्ट लाइ, झूठ है, झूठ है ये, x x नहीं कटता, ये क्या x x कट जाता है, क्या होता है x x कट जाता करते रहते हैं, ये झूठ है, ये दिमाग में डाल लो, ये बहुत बड़ा झूठ है, सबसे बड़ा अब तक तुम्हें जो जितने भी तुम काटे थे वो झूठ थे जो तुम कर रहे थे, असलियत में ऐसा कुछ होता ही नहीं। मोहनदी ने बोला पता नहीं, कुछ तू बता दे तेरा आंसर क्या है, दोनों बराबर है क्या? नहीं मुझे अगर मतलब तो x से x नहीं कटता तो एग्जांपल मिल सकते क्या मुझे जिससे x से x नहीं कटता? This is very scientific. It's hard to handle. Very scientific. बहुत सही चीज बोल रही है कि यार मेरे पास जितने एग्जांपल्स पड़े उसमें तो कट रहा है भाई, मैंने 5 लिया तो कट गया, मैंने -3 लिया तो कट गया, -3 -3 तो 1 होता है, ये तो कोई नहीं गलत बोल सकता, ये भी 1 होता है, बट ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसमें मैं अगर ऊपर और नीचे सेम नंबर रखा हो तो मेरा राइट हैंड मेरा आंसर 1 ना हो? कोई बताना चाहेगा ऐसा कौन सा नंबर है? 0 0 अभी बात हुई थी, 0/0 पाप होता है। yep. तो जब तुम बोलते हो x से x कट जाता है तो तुम एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, x से x कट जाता है बट नॉट ऑलवेज, दिस इज कम्प्लीट बट नॉट ऑलवेज, ये सिर्फ एक ही पॉइंट पे नहीं कटता जो है x=0, ठीक है, और अगर तुम वो मेंशन नहीं करोगे तो तुम जो बोल रहे हो वो झूठ है,
एक्स एक्स कट जाता है इज इनकम्प्लीट. पूरा स्टेटमेंट है एक्स एक्स कट जाता है एक्सेप्ट एट जीरो. तो जीरो में प्रॉब्लम है. ठीक है जीरो प्रॉब्लम है तो सॉल्व कर लेते हैं जीरो की प्रॉब्लम. मतलब इट शुडंट बी दैट बिग. तो उसको सॉल्व करने के लिए लोग ये बोलते हैं कि अगर तुम इसे फंक्शन मान रहे हो तो इसकी वैल्यू इज इक्वल टू वन फॉर ऑल एक्स. मैं पहले इंग्लिश में लिखता हूँ फॉर ऑल एक्स एक्सेप्ट वन. ये मेंशन करना बहुत एक्सेप्ट जीरो सॉरी ये मेंशन करना जरूरी है एक्सेप्ट जीरो. जीरो पे नॉट डिफाइंड होता है. ठीक है इसका मतलब अब तुम्हें एक चीज दिख रही होगी. इसका मतलब क्या है? यप. जीरो पे क्या लगा हुआ है? ताला. जीरो पे ताला लगा हुआ है. अब इन तालों को खोलना है हमें इन चैप्टर. अगले इन चैप्टर से हम ये ताले खोलेंगे. खोलेंगे नहीं ताले. हम जाके पीछे से पूछेंगे पड़ोसी से पूछेंगे. हम जाके बात करेंगे कि हो क्या रहा है. तो ये इंपॉर्टेंट है कि ये ताला पहली बार ताला जब तुम्हें दिखा था तो तुमने इग्नोर ही मार दिया. तुमने कहा हाँ हाँ एक्स एक्स कट जाता है. जब इनसे बात करके तब तो पता लगेगा ये ताले लगे हुए. अब आते हैं मेरे क्वेश्चन पे. मेरे पास 5 मिनट बचे हैं. क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपॉन एक्स माइनस टू. ठीक है कुछ लोग बोलते हैं कि भाई ऊपर वाली चीज को तुम ऐसे लिख लो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ये होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी. ठीक है एट्थ क्लास. ये हो गया एक्स प्लस टू और एक्स माइनस टू. और कुछ ओवर स्मार्ट लोग क्या बोलते हैं ए और इसका आंसर लिख देते हैं एक्स प्लस टू. अब ये बताओ क्या ये सही है? मुझे अपनी कहानी क्यों लग रही है? गोचू बोले कि हाँ अब तक तो सही था मैम ने अब तक तो नंबर नहीं काटे थे अब नंबर काटेंगे इसके. अब ये सही नहीं है. दिस इज ट्रू बट नॉट ऑलवेज. दिस इज ट्रू बट नॉट ऑलवेज. कहां पर ट्रू नहीं होगा ये? इसमें तुम कोई भी वैल्यू डालो. चलो ट्रू है तो चेक कर लेते हैं. एक्स क्यूब डालते हैं मान लेते हैं 10. तो आ गया 10 स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 10 माइनस 2. ये कह रहा है इसकी वैल्यू होनी चाहिए 10 प्लस 2. चेक कर ले 10 स्क्वायर होता है 100. 100 माइनस 4 हो गया 96. 10 माइनस 2 हो गया 8. 96 8 से कटेगा 12 आ जाएगा. 10 प्लस 2 12 होता है. सही है ट्रू है. और कोई वैल्यू गोची तू ले ले एक वैल्यू. कोई अच्छी सी वैल्यू लेने दो एक मिनट. एक और कोई वैल्यू ले ले एक्स की. एक्स स्क्वायर माइनस 0 नहीं. एक्स की कौन सी वैल्यू लेगी चेक करने के लिए कि ये ट्रू है कि नहीं. ओके ओके तो ओके करने वाले जो लोग हैं. हाँ जल्दी बता. एक्स की वैल्यू जिससे मुझे ट्रू करना है तो कोई एक नंबर दे दे यार. एक्स एक नंबर दे दे यार. कोई अच्छा ठीक है 9 स्क्वायर माइनस 6 बाय 9 माइनस 2. मैं चेक कर रहा हूँ कि ये ट्रू है भी कि नहीं है. 9 प्लस 2 9 हो गया 81. 81 माइनस 6 हो गया 75. 9 माइनस 2 हो गया 7. अबे सही किया मैंने. 81 माइनस 6 हो गया 75. अबे 6 नहीं था 4 था. ये 4 नहीं है. हाँ हाँ अकलमंद. 9 प्लस 2 हो गया 11 और ये भी कट के 11 हो गया. ये भी ट्रू है. Okay. तो ये तो सही जा रहा है. बिल्कुल हर पॉइंट पे ट्रू आ रहा है. कोई एक वैल्यू लेता मैं 0 लेता अपनी तरफ से. 0 माइनस 4 बाय 0 माइनस 2 इक्वल्स टू 0 प्लस 2. ये आ गया माइनस 4 बाय माइनस 2 कट के 2 आ गया. इधर भी 2 आ गया. हाँ भाई 2 इक्वल टू 2 है. तो ये हर वैल्यू के लिए सही है लेकिन किस वैल्यू के लिए ट्रू नहीं है ये. फॉर विच वैल्यू विल इट फेल ये बता दो. नेगेटिव ले सकते हैं. हाँ नेगेटिव भी ले सकते हैं. टू के लिए फॉर एक्स इज इक्वल टू 2. एक्स इक्वल टू 2 के लिए तो ये फेल कर जाएगा ना. तुमने एक्स इक्वल टू 2 लिया है क्या? हाँ. तो मोंदी ने लिया x इक्वल टू 2. ऊपर जाते हैं 2 आता है तो ये हो गया 2 स्क्वायर यानी कि 4. 4 माइनस 4 बाय 2 माइनस 2 इक्वल्स टू 2 प्लस 2. एक तरफ आ गया 0 बाय 0 एक तरफ आ गया 4. नाउ दिस इज वेयर मैथ ब्रेक्स. तो मोंदी ने अननोइंगली ऐसा नंबर ले लिया जिसमें डिनोमिनेटर 0 हो रहा था या शायद जानबूझ के लिया था. कुछ तो स्ट्रेटजी थी. अब और किसी वैल्यू के लिए ये फेल नहीं करेगा. बस x इक्वल टू 2 के लिए फेल करेगा क्योंकि 2 पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा है. समझ में आया?
ठीक है, और भी कोई नेगेटिव वैल्यू लेने तो ले लो, तो मैं वो भी टेस्ट कर लूंगा। बट अब इस टू वाले ताले पे, इस टू वाले के पीछे क्या हो रहा है ये हम पता लगाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ये हमारी पहली वीडियो थी। ठीक है, चलो मैं कर रहा हूँ स्टॉप शेयर और